नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर आप जिस फाइटर जेट को देख रहे हैं वो F-16 नहीं, उससे कहीं बड़े आकार का बेहद एडवांस्ड मित्सुबिशी का F-2 है। जापान ने इसे क्यों बनाया, फाइटर जेट इंजन कैसे डेवलप किया और क्यों आज अमेरिका अपने F-22 के भी एडवांस्ड वर्जन को जापान के साथ तैयार करने को बेकरार है। साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे जापान के दिखाए रोड मैप से हम अपने तेजस प्रोग्राम व कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को अलग ही लेवल की सफलता दिलवा सकते हैं। ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अमेरिका बड़े बड़े देशों को अपने फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट F-35 को देने से मना कर देता है। अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट F-22 रैप्टर को तो उन देशों को भी बेचने से मना कर देता है जो आज से नहीं पिछले 100 वर्षों से भी ज्यादा समय से अमेरिका के खास सहयोगी और फ्रेंड रहे हैं। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वही अमेरिका जापान को F-22 के भी एडवांस्ड वेरिएंट, जिसमें F-22 की परफॉर्मेंस और स्टेल्थ होगा, साथ ही F-35 के मिशन कंप्यूटर, सेंसर्स, फ्लाइट कंट्रोल्स व काउंटर मेजर सिस्टम होंगे, ऐसे जबरदस्त वेरिएंट को भी जापान को ऑफर करता है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही है कि जापान इस ऑफर को भी ठुकरा देता है। इस बात को डिटेल में समझने से पहले मौजूदा समय में जापान की एयरफोर्स को जानते हैं। जापानीज एयरफोर्स में अभी इन सर्विस 62 F-2 फाइटर जेट्स हैं, 34 F-4 फैंटम हैं, 155 एयर सुपीरियरिटी के लिए हैवीवेट कैटेगरी के F-15 ईगल हैं और साथ ही जापान अमेरिका से टोटल 135 F-35 फिफ्थ जनरेशन के स्टेल्थी फाइटर जेट ले रहा है। अमेरिका के नए ऑफर में F-22 और F-35 का कॉम्बिनेशन शामिल है। F-22 मौजूदा समय में दुनिया का सबसे पावरफुल व सबसे स्टेल्थी फाइटर जेट है। इसमें दो प्रेटन विटनी F-119 इंजन लगे हैं जिनकी कंबाइंड थ्रस्ट 312 किलो न्यूटन है, जबकि जो राफेल भारत ले रहा है उसके दोनों इंजन की कंबाइंड थ्रस्ट मात्र 150 किलो न्यूटन ही है। F-22 की मैक्सिमम स्पीड 2500 किलोमीटर पर आर है और इसकी रेंज 3200 किलोमीटर तक है। यह ज्यादातर फाइटर जेट से तेज उड़ता है और ज्यादा ऊंचाई तक जा सकता है, यानी इसकी सर्विस सीलिंग 65,000 फीट तक है। जहां ज्यादातर फाइटर जेट्स का रडार क्रॉस सेक्शन 3 से लेकर 5 मीटर स्क्वायर तक होता है, तो F-22 का रडार क्रॉस सेक्शन मात्र 0.0001 स्क्वायर मीटर है, जो एक छोटी सी मक्खी से भी कम है। वहीं साथ ही यह अपने पावरफुल ASA रडार से 250 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के मात्र 1 मीटर स्क्वायर वाले फाइटर जेट तक को ट्रैक कर लेता है। वैसे इसके रडार 400 किलोमीटर दूर तक भी ट्रैक कर सकते हैं। यह अपने इंटरनल बे में 6 AIM-120C मिसाइल को ले जा सकता है। F-22 बिना आफ्टर बर्नर के भी सुपर क्रूज कर सकता है, यानी कि यह 1.6 मैक की स्पीड तक बिना आफ्टर बर्नर के भी उड़ सकता है। यह बेहद महंगा फाइटर जेट है जिसकी प्रति यूनिट कॉस्ट $250 मिलियन से भी ज्यादा है। F-22 अमेरिका का पहला ऐसा फाइटर जेट है जिसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग कैपेबिलिटी है, यानी यह बहुत ही बेहतरीन मैन्यूवर्स कर सकता है। F-22 के मुकाबले F-35 मात्र 1800 किलोमीटर पर आर तक ही उड़ सकता है। इसकी रेंज भी थोड़ी कम, यानी 2800 किलोमीटर है। यह मात्र 50,000 फीट तक की ऊंचाई तक जा सकता है। F-22 जहां इंटरनल बे में 6 AIM-120 एयर टू एयर मिसाइल को कैरी करता है, तो F-35 मात्र 4 ही ऐसी मिसाइल्स को ले जा सकता है। F-35 में कहीं ज्यादा सेंसर्स लगे हैं, लेकिन इसका रडार F-22 जितनी रेंज का नहीं है। F-35 बाकी फाइटर जेट्स के मुकाबले तो काफी स्टेल्थी है, लेकिन F-22 से काफी कम स्टेल्थ रखता है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन 0.005 मीटर स्क्वायर है, जो F-22 से 50 गुना ज्यादा है। यानी हर लिहाज से F-35 F-22 रैप्टर से काफी पीछे रह जाता है। अगर मिसाइल्स की कीमत अलग रखें तो बेयरबोन F-35 की कीमत $90 मिलियन प्रति एयरक्राफ्ट है। F-35 को गरीबों का F-22 भी कहा जा सकता है। इसमें लंबे समय तक बिना आफ्टर बर्नर के सुपर क्रूज करने की काबिलियत भी नहीं है और जबरदस्त मैन्यूवर्स करने के लिए थ्रस्ट वेक्टरिंग कैपेबिलिटी भी नहीं है। जापान ने क्यों F-22 और F-35 के कॉम्बिनेशन को ठुकरा दिया, इसके लिए जापान की थोड़ी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी समझनी पड़ेगी।
दोस्तों जापान एक छोटा और बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बना देश है। एक समय यही जापान इतना ताकतवर था कि इनके पास उस जमाने में एयरक्राफ्ट कैरियर था, जबकि बाकी देश ठीक से जहाज ही मुश्किल से बना पाते थे। अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर रशिया और चाइना को भी हरा दिया था, लेकिन अब हालात बिल्कुल अलग हैं। अब रशिया और चाइना अक्सर जापान के एयर स्पेस में अपने एयरक्राफ्ट को भेज देते हैं और जापान इन्हें दूर भगाने के लिए अमेरिका से लिए F-15 जैसे फाइटर जेट्स को टेक ऑफ करवाता है। जापान ने समझ लिया था कि जैसे जैसे रशिया और खास तौर पर चाइना ताकतवर होते जाएंगे, उसके लिए चुनौतियों को बढ़ाते जाएंगे। अमेरिकी फाइटर जेट से ज्यादा समय काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो एक्सपोर्ट वेरिएंट अमेरिका दूसरे देशों को बेचता है वो अक्सर उन फाइटर जेट से कम एडवांस्ड और कम क्षमता वाले होते हैं जिन्हें अमेरिका खुद इस्तेमाल करता है। फाइटर जेट डिजाइन करने, उसके सिस्टम्स, उसकी टेक्नोलॉजी को एक साथ तैयार कर पाना, ये सारे काम कुछ वर्षों में नहीं हो सकता है। अमेरिका और रशिया लगभग 100 वर्षों से फाइटर जेट्स बना रहे हैं। उनके पास पूरा एरोस्पेस इकोसिस्टम है, लगभग हर तरह की फाइटर जेट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन जापान के पास ऐसा कोई फाइटर जेट वाला इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोसिस्टम मौजूद नहीं था। तो इस समस्या का समाधान जापान ने यह निकाला कि हम अमेरिका से फाइटर जेट खरीदेंगे, साथ में उन्हें खुद अपने देश में बनाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने रशियन MiG-21 में Sukhoi 30 MKI जैसे फाइटर जेट्स को बनाया है, लेकिन जापान का तरीका अलग था। उन्होंने बिल्कुल सेम कॉपी नहीं बनाई, बल्कि उसमें बदलाव करके सीखते गए। फाइटर जेट की चार मुख्य टेक्नोलॉजीज जैसे एयरफ्रेम डिजाइन, रडार, सिक्योर डेटा लिंक, मिशन कंप्यूटर्स, काउंटर मेजर सिस्टम्स को तैयार करना, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड व एंटी शिप मिसाइल्स को बनाना, और लास्ट फाइटर जेट के इंजन को तैयार करना। जब 1990 में F-16 को जापान में मैन्युफैक्चर करने की डील हुई तो अमेरिका की तरफ से ढेरों कंडीशंस लगाई गईं। डेवलपमेंट कॉस्ट का 60% जापान को देना होगा, अमेरिका लिमिटेड टेक्नोलॉजी ही देगा जिसमें फ्लाइट कंट्रोल, रडार टेक्नोलॉजी व इंजन टेक्नोलॉजी भी शेयर नहीं करेगा, लेकिन जो भी टेक्नोलॉजी जापान तैयार करेगा वे सारी अमेरिका के साथ शेयर करनी पड़ेगी। जापान ने सारी शर्तें मानी। इसके बाद भी कॉन्ट्रैक्ट को इस तरह से रखा गया कि उस समय जब F-16 का ब्लॉक 40 लगभग $30 मिलियन का था, तो जापान में इसको तैयार करने की कीमत लगभग 4 गुना यानी लगभग $120 मिलियन प्रति एयरक्राफ्ट आ रही थी। इसे भी जापान ने माना। सबने कहा कि यह बेवकूफी है, लेकिन जापान तो सीखना चाहता था, इसलिए सभी कंडीशंस मानता गया। और सीखने के लिए एक परफेक्ट फाइटर जेट F-16 को चुना गया, जो एक तरह से सर्वगुण संपन्न फाइटर जेट था। दोस्तों स्क्रीन पर जो फाइटर जेट का डिजाइन आप देख रहे हैं, उसे देखते ही आप कहेंगे कि यह F-16 है, लेकिन नहीं, यह F-16 नहीं, जापान की मित्सुबिशी कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया F-2 है। दोनों में कई डिफरेंसेस हैं। जापानीज F-2 के विंग्स का आकार F-16 से 25% बड़ा है, यानी जापान ने बिल्कुल शुरू से फाइटर जेट को डिजाइन करने की बारीकियों को सीखा। ज्यादा बड़े विंग्स से ज्यादा पेलोड और ज्यादा मिसाइल्स ले जाने की काबिलियत मिली, तो एक्सीलरेशन और स्पीड कम हो गए, रडार क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, तो जापान ने कंपोजिट मटेरियल की टेक्निक इस्तेमाल करके इसके वेट को कम कर लिया। लगातार इसके स्टेल्थ कैरेक्टर को बढ़ाते गए, यानी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे मैच्योर बनाते गए। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट, यानी कि एवियोनिक्स की। जिस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे यानी ASA रडार को बाकी दुनिया आज अपने फाइटर जेट्स में लगा रही है, उसे 20 वर्ष पहले ही तैयार करके F-2 में जापान ने लगा भी दिया था। जापान ने खुद का रेडियो कम्युनिकेशन, मिशन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम व फ्लाइट कंट्रोल तैयार किए। F-16 वाले एक एक सिस्टम को बारी बारी से अपने सिस्टम के साथ रिप्लेस करते गए और टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से मैच्योर कर लिया। तीसरे पॉइंट में बात आई मिसाइल्स की, तो जापान ने AIM-120 एयर टू एयर मिसाइल को टक्कर देने वाली ASM-3 व ASM-4 मिसाइल तैयार कर ली। फिर शॉर्ट रेंज वाली ASM-5 व एंटी शिप मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी पर भी मास्टरी हासिल कर ली। अब तो जापान हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाने के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है। फाइटर जेट की तीन मुख्य टेक्नोलॉजीज को तो जापान ने डेवलप कर लिया था, लेकिन इंजन नहीं बना पाए थे। अमेरिका ने बिल्कुल सहयोग नहीं किया और फिर से जापान अमेरिका के फाइटर जेट्स पर ही निर्भर रहने को मजबूर होता दिखने लगा। जापान को चाइना और रशिया के एडवांस होते जा रहे फाइटर जेट्स को टक्कर देने के लिए
अमेरिकी फिफ्थ जनरेशन के स्टेल्थी F-22 रैप्टर की आवश्यकता थी। जापान हर कीमत देने को तैयार था, लेकिन अमेरिका ने F-22 नहीं दिया। F-35 ही जापान को मिल पाया, लेकिन F-35 में F-22 रैप्टर जैसी स्पीड, रेंज, स्टेल्थ व काबिलियत नहीं है। लेकिन फिर भी जापान पिछड़ना नहीं चाहता था, इसलिए F-35 को ही ले लिया। जापान ने हिम्मत नहीं हारी और जिस वीक पॉइंट पर अमेरिका अभी भी जापान को दबाए हुए था, यानी फाइटर जेट इंजन, उसे भी बनाकर दिखा दिया। अमेरिका के सबसे एडवांस्ड स्टेल्थी फाइटर जेट F-22 रैप्टर में F-119 टर्बोफैन इंजन लगे हैं, जो मैक्सिमम 156 किलोन्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करते हैं। अब जापान ने इससे भी आगे निकलकर इस इंजन से आकार में लगभग 2 फीट छोटे, कम चौड़ाई वाले वह हल्के XF-9 नाम के इंजन को बना लिया है, जो 150 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। इसके लंबाई में छोटे होने के कारण फाइटर जेट में अंदर ज्यादा जगह खाली मिलेगी, जिससे एक्स्ट्रा फ्यूल या इंटरनल बे में ज्यादा रेंज वाली लंबी मिसाइल्स को ले जाया जा सकता है। यहां पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि जापान ने भारत की तरह सीधा जीई के F-404 इंजन को रिप्लेस करने लायक कावेरी इंजन को बनाने का टारगेट नहीं रखा, बल्कि पहले छोटे और कम थ्रस्ट वाले इंजन पर टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से मैच्योर होने तक सीखना जारी रखा। पहले बनाया F-3 जो मात्र 16 किलोन्यूटन जनरेट करता था, फिर XF-3 जो 30 किलोन्यूटन जनरेट करता था, उसके बाद XF-5 50 किलोन्यूटन का बना और फिर F-7 60 किलोन्यूटन तैयार करने लगा और देखते ही देखते XF-9 बना लिया, जो 150 किलोन्यूटन की सर्टिफाइड थ्रस्ट को जनरेट करने लग गया। अमेरिका समझ चुका था कि अब जापान के पास सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, लेकिन क्या जापान इनको एक साथ असेंबल करके काम करने लायक बना सकता है? तो इसके जवाब में जापान ने फिफ्थ जनरेशन के स्टेल्थी डिजाइन के साथ अपना पहला प्रोटोटाइप, या कहें टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, X-2 नाम से बनाकर इसकी फ्लाइट टेस्टिंग भी शुरू कर दी। इसमें मात्र 49 किलोन्यूटन वाले 2 XF-5 इंजन ही लगे हैं, जिन्हें अब XF-9 से रिप्लेस किया जाएगा। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है। अब जापान F-3 नाम से बिल्कुल नए डिजाइन के ऊपर काम कर रहा है। अमेरिका को समझ आ चुका था कि जापान अब उस स्टेज पर खड़ा है जहां वह F-3 नाम का सबसे ताकतवर व सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट बनाने ही वाला है, और अगर जापान ने ऐसा कर दिखाया तो फिर उनके फाइटर जेट्स, यानी कि अमेरिकन फाइटर जेट्स की डिमांड पूरी दुनिया में कम हो जाएगी, और जो ऊंची कीमत अमेरिका लिया करता है अपने फाइटर जेट्स के लिए, वह भी अब उसे नहीं मिलेगी। इसलिए जो अमेरिका F-22 को किसी भी कीमत पर नहीं दे रहा था, वही अमेरिका अब F-22 से भी एडवांस परफॉर्मेंस वाला, साथ ही जिसमें F-35 से भी एडवांस सेंसर होंगे, ऐसे फाइटर जेट को जापान के साथ मिलकर बनाना चाहता है। लेकिन अब जमाना बदल चुका है, जापान के पास कहीं बेहतर टेक्नोलॉजी है, उसे अब ना ही अमेरिका का सहयोग चाहिए, ना ही जापान अपनी टेक्नोलॉजी को अमेरिका के साथ शेयर करेगा। दोस्तों, जापान के इस प्रोग्रेस चार्ट को देखकर हमें अपने तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम व कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को भी बिना हार माने आगे बढ़ाते रहना चाहिए। अभी हम जो तरीका अपना रहे हैं उसके अनुसार पहले तेजस MK2 या कहें कनाड विंग्स वाले मीडियम वेट फाइटर को तैयार करें, उसके सारे फ्लाइट टेस्ट करें, फिर एक एक टेक्नोलॉजी को लगाकर मैच्योर होने तक रिफाइन करते रहें, इन सब में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, जबकि जापानीज रोड मैप के अनुसार हमें अभी से ही उन सभी टेक्नोलॉजीज को प्रूवन प्लेटफॉर्म जैसे MiG-29 या Sukhoi-30 MKI में लगाकर समय रहते ही सारी टेक्नोलॉजीज को परफेक्ट बना लेना चाहिए, ताकि तेजस MK2 और MCA फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थी फाइटर जेट का डेवलपमेंट स्टेज लंबा ना खींचे। साथ ही कावेरी इंजन के रुकने से परेशान होने की जगह छोटे इंजनों को पूरी तरह रिलायबल बनाना चाहिए, उनमें क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी, हॉट कोर की डिजाइनिंग व वेरी हाई टेम्परेचर सहने लायक एलॉयज को बना बनाकर बार बार टेस्ट करना चाहिए, जब तक कि हमें डिजायर्ड सफलता ना मिल जाए। एक बार ट्रायल एंड एरर मेथड से सही टेक्नोलॉजी डेवलप होते ही बहुत कम समय में कावेरी का इससे भी पावरफुल इंजन हम आसानी से बनाने लग जाएंगे। दोस्तों, आपकी राय में क्या जापान के दिखाए गए रोड मैप को फॉलो करके हमें कीमत की परवाह किए बिना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खूब सारे फंड्स लगाते रहने चाहिए, या जिस तरीके से अभी तक काम होता आया है उसी तरीके को फॉलो करते रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। साथ ही कमेंट सेक्शन में यह भी बताएं कि आपको जापान की यह सक्सेस स्टोरी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।
दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।